तक हमने देखा कि एंड्रॉयड के अंदर हम अलग अलग तरीके से डेटा को स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि इंटरनल स्टोरेज, एक्सटर्नल स्टोरेज। सो अब हमें देखना है कि किस तरीके से हम एक्सटर्नल स्टोरेज के अंदर फाइल के अंदर हम डेटा राइट कर सकते हैं, और जो डेटा हम राइट कर रहे हैं उसे फिर से हम रीड कैसे कर सकते हैं, ये हमें आज देखना है। सो इसके लिए जैसे हम रूटीन प्रोजेक्ट बनाते हैं उसी तरीके से हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम देंगे एक्सटर्नल स्टोरेज। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसका डिजाइनिंग हमें कैसे करना है। सबसे पहले तो हमारी जो मैनिफेस्ट फाइल है उसे हम देखेंगे। ये जो मैनिफेस्ट फाइल हमने ओपन की है अभी ये डिफॉल्ट जनरेटेड है, यानी यहाँ पे इसमें कोई भी चीज हमने ऐड नहीं की है, क्योंकि हमें एक्सटर्नल स्टोरेज का यूज करना है। हमें एक्सटर्नल स्टोरेज पे, यानी हमारा जो एसडी कार्ड है उसके अंदर एक फाइल हमें यूज क्रिएट करनी है और उसमें हमें कुछ कंटेंट लिखना है। सो इसके लिए हमें एक परमिशन स्पेसिफाई करनी होगी। यहाँ पर हम स्पेसिफाई करेंगे यूजर्स परमिशन, और यहाँ पर एक्सटर्नल स्टोरेज की परमिशन होती है जिसे हम स्पेसिफाई यहाँ पे करेंगे, राइट एक्सटर्नल स्टोरेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें ये परमिशन का यूज करना है। हम इसे सिलेक्ट करेंगे, यानी हमारी जो मैनिफेस्ट फाइल है उसमें हमने परमिशन ऐड कर दी है। अब हम देखेंगे इसका लेआउट। लेआउट के अंदर सबसे पहले हम रिसोर्स फोल्डर लेआउट, हमारा जो एक्टिविटी मेन एक्सएमएल है इसमें हमें इस तरह का लेआउट डिजाइन करना है। देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम दो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू का यूज करेंगे, फाइल नेम और डेटा डिस्प्ले करने के लिए। दो एडिट टेक्स्ट का यूज करेंगे जहाँ पे हम फाइल का कंटेंट डिस्प्ले, यहाँ पे फाइल का नाम और यहाँ पे फाइल का कंटेंट, इसके लिए दो एडिट टेक्स्ट एंड टू बटन्स सेव एंड रीड। इसका कोड यहाँ पे टेक्स्ट व्यू में जाकर, टेक्स्ट मोड में जाकर हम देख सकते हैं। जिस तरीके से हमने अब तक हमारे सारे जो प्रीवियस कोड में एडिट टेक्स्ट, बटन, टेक्स्ट व्यू का यूज किया है, सेम उसी तरीके से हमने इसका डिजाइनिंग किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिट टेक्स्ट, उसके बाद हमने टेक्स्ट व्यू लिया है दो, और उसके बाद दो बटन्स, यानी यहाँ पे जो बेसिक उनकी प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज यहाँ पे हमने सेट की है, जैसे विड्थ, हाइट और मार्जिन वगैरह यहाँ पे सेट की है, और उन्हें सबको एक आईडी दिया है क्योंकि हमें हमारे कोड में उनका आईडी यूज करना होगा। अब हम देखेंगे इसका मेन फाइल, हमारा जो मेन एक्टिविटी है जावा फोल्डर के अंदर, हमारा जो मेन एक्टिविटी है वो हम देखेंगे। यहाँ पे अभी हमारे पास जो एक्टिविटी है ये बाय डिफॉल्ट कोड जनरेटेड है जिसमें सिर्फ हमने इतना ही ऐड किया है, यानी जो हमने हमारे लेआउट के अंदर एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल में जो हमने यहाँ पे व्यूज लिए है जैसे एडिट टेक्स्ट और बटन, सिर्फ उनके हमने यहाँ पर इंस्टेंस क्रिएट किए हैं। अब हमारा सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा व्यू आइडेंटिफिकेशन, यानी एडिट टेक्स और बटन, ये जो चार हमारे व्यूज है इनका फाइंड व्यू बाय आईडी हम करेंगे जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो इंस्टेंस है एडिट टेक्स्ट फाइल नेम पहला, उसके बाद एडिट टेक्स डेटा, दोनों ही एडिट टेक्स का हमने फाइंड व्यू बाय आईडी कर दिया उनका आईडी के थ्रू। सेम वैसे ही दोनों जो बटन्स है सेव बटन एंड रीड बटन, उसका भी व्यू आइडेंटिफिकेशन हमने कर दिया है। अब हमारा जो स्टेप है वो है बटन क्लिक लिस्नर। हमें पहले हमारा जो सेव बटन है उसके क्लिक इवेंट पे हमें जो कोड जनरेट करना है एक्सटर्नल स्टोरेज का, सो वो हम करेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे हम क्लिक लिस्नर डिजाइन करेंगे। जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में डिजाइन किया था सेम उसी तरीके से यहाँ पे हम डिजाइन करेंगे।
अब यहाँ पे हमें कोड डिजाइन करना है कि सेव बटन क्लिक पे किस तरीके से हम एक्सटर्नल स्टोरेज में फाइल क्रिएट करके डेटा रीड करेंगे। अब यहाँ पे हमने बटन क्लिक इवेंट के अंदर दो स्ट्रिंग हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, स्ट्रिंग फाइल नेम और स्ट्रिंग डेटा। और यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग के अंदर जो हमारे दोनों एडिट टेक्स्ट है उनका गेट टेक्स्ट करके हम यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग में स्टोर करवा रहे हैं। अब हमें हमारा जो क्लास है फाइल आउटपुट स्ट्रीम, उसका हम एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे जिसका यूज करके हम एक्सटर्नल स्टोरेज पे डेटा राइट करेंगे। इसका एक इंस्टेंस फाइल आउटपुट स्ट्रीम का हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब हमें कोड यहाँ पे जनरेट करना है। अब यहाँ पे हमें कोड जनरेट करना है, फाइल क्रिएट करनी होगी सबसे पहले, तो उसके लिए हम यहाँ पे कोड लिखेंगे फाइल, उसका कोई भी एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे फाइल का जो पाथ है वो पाथ हमें स्पेसिफाई करना होगा कहाँ पे क्रिएट करनी है। यहाँ पे हमने एक फाइल का इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। अब इस फाइल को हमें क्रिएट करनी होगी। हम ऑप्शन यहाँ पे मेथड यूज करेंगे क्रिएट न्यू फाइल, यानी यहाँ पे हम फाइल क्रिएट करेंगे। उसके बाद हमने हमारा जो फाइल आउटपुट स्ट्रीम का इंस्टेंस क्रिएट किया है, सो उसका यहाँ पे हमने जो हमारी फाइल क्रिएट की है तो वो फाइल हम वहाँ पे पास कर देंगे। उसके बाद हमें आउटपुट स्ट्रीम राइटर का यूज करना है यहाँ पर, जिसके थ्रू हम जो भी कंटेंट फाइल के अंदर हमें राइट करना है तो उसके लिए हम इसका यूज करेंगे। इसका इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे हमने इसका जो इंस्टेंस क्रिएट किया है माय आउटपुट राइटर, और इसके अंदर हमें हमारा जो आउटपुट जो स्ट्रीम है फाइल आउटपुट स्ट्रीम, उसका हम इंस्टेंस पास करेंगे जिसके अंदर हमने फाइल पास की है, जो हमारा है FOS, यहाँ पे हमने पास कर दिया है। इसके बाद क्योंकि फाइल के अंदर कंटेंट जो है वो अपेंड होता है, तो यहाँ पे हम फाइल की कुछ मेथड्स का यूज करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हमने हमारा जो आउटपुट स्ट्रीम राइटर था उसके साथ हम अपेंड मेथड का यूज कर रहे हैं इंस्टेंस के साथ, और यहाँ पे हमने डेटा प्रोवाइड किया है। यहाँ पे जो हमारा दूसरा एडिट टेक्स्ट है जिसके अंदर जो भी फाइल का डेटा यूजर टाइप करता है वो वहाँ पे हम फाइल में अपेंड करवा रहे हैं, ऐड करवा रहे हैं। जैसे ही कंटेंट हमारा पूरा हो जाता है तो फाइल को हम क्लोज कर देते हैं ताकि वो जो मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है तो वो मेमोरी फ्री हो जाए। सो इसके लिए हमने क्लोज मेथड का यूज किया है, और हमारा जो स्ट्रीम है जिसके थ्रू हम काम कर रहे थे उसे भी हमने क्लोज कर दिया है। अब यहाँ पे हम एक टोस्ट नोटिफिकेशन जनरेट करेंगे ताकि जो भी कंटेंट, अगर यहाँ पे हम बता सकते हैं कि जो डेटा हमने लिखा है वो सक्सेसफुली हो रहा है या नहीं हो रहा है सेव बटन का काम, तो एक टोस्ट नोटिफिकेशन से ये चीज हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। यहाँ पे हमने सिंपली टोस्ट नोटिफिकेशन से बता दिया कि ये जो फाइल नेम जो भी हमने एंटर किया था तो कंटेंट हमारा सेव हो गया है, यहाँ पे हमने डिस्प्ले कर दिया है। अब हम दूसरा लिसनर सेम इसी तरीके से डिजाइन करेंगे जैसे सेव बटन का था, अब हम रीड बटन का लिसनर डिजाइन करेंगे। यहाँ पे हमने रीड बटन का जो लिसनर है वो हम यहाँ पे डिजाइन कर रहे हैं। अब इसके अंदर हमने जैसे ऊपर स्ट्रिंग लिया था सेम वैसे यहाँ पे स्ट्रिंग लेके एडिट टेक्स्ट फाइल नेम जो है वो हम गेट कर रहे हैं। स्ट्रिंग बफर का यूज हम करेंगे क्योंकि अब हमें कंटेंट जो है वो रीड करवाना है, सो इसलिए हमने स्ट्रिंग बफर का इंस्टेंस क्रिएट किया है। उसके बाद हमारा जो
दो हमने एक स्ट्रिंग लिया है, एक रो डेटा और एक बफर, दोनों को हमने यहाँ पे डेटा रो और जो बफर है दोनों को हमने यहाँ पे ब्लैंक कर दिया है। और हमने वैसे ही जो फाइल है वो फाइल यहाँ पे, क्योंकि हमें डेटा रीड करवाना है तो इसलिए इंस्टेंस हमें उसका रिक्वायर्ड होगा, सो हमने पाथ से यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। अब हम फाइल इनपुट स्ट्रीम का यूज करके कंटेंट रीड करवाएंगे। फाइल इनपुट स्ट्रीम का यूज हम करेंगे, इंस्टेंस क्रिएट करेंगे इसका। इंस्टेंस क्रिएट कर दिया, अब हम यूज करेंगे बफर्ड रीडर का। इसका इंस्टेंस हम क्रिएट करेंगे, यहां पे इंस्टेंस क्रिएट करेंगे हम न्यू, इनपुट स्ट्रीम का, और यहाँ पे हमारा जो इंस्टेंस है उसे हम पास कर देंगे। अब हमें कंडीशन बेसिस पे यहाँ पे फाइल को रीड करवाने के लिए कोड लिखना है जिसे हम यहाँ पे जनरेट करेंगे। अब यहाँ पे हमने वाइल कंडीशन का यूज किया है जिसके अंदर हमने जो ए डेटा रो एक स्ट्रिंग क्रिएट किया था उसके अंदर हम यहाँ पे माय रीडर यानी हमारा बफर्ड रीडर का इंस्टेंस का यूज करके रीड लाइन मेथड का यूज हम कर रहे हैं, यानी एक स्ट्रिंग के अंदर हम बफर्ड रीडर का यूज करके कंटेंट रीड करवा रहे हैं और वहाँ पे हम स्टोर करवा रहे हैं, और वो स्टोर करवा के हम चेक कर रहे हैं कि अगर वो खाली नहीं है तो जो हमारा ए बफर जो स्ट्रिंग है तो उसके अंदर जो है वो ए डेटा रो का कंटेंट वहाँ पे हम ऐड करवा देंगे। और जब ये हमारा ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है तो माय रीडर डॉट क्लोज यानी हमारा जो यहाँ पे बफर्ड रीडर है तो वो हम मेमोरी फ्री कर देंगे और उसके बाद हम टोस्ट के थ्रू यहाँ पे जो कंटेंट है वो जनरेट करवाने वाले हैं। इसलिए टोस्ट के अंदर हमने जो ए बफर वाइल कंडीशन के अंदर है वो हम टोस्ट के अंदर यहाँ पे बता रहे हैं ताकि हम उसका यूज कर सके डेटा डिस्प्ले करने के लिए। इसे एग्जीक्यूट करके देखेंगे ये किस तरीके से काम करता है। रन मेन्यू में जाकर रन, जैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे इस तरह का आउटपुट हम देख सकते हैं, एक्सटर्नल स्टोरेज हमारा जो नाम हमने स्पेसिफाई किया था। अब यहाँ पे हमें एक फाइल नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा, सो सपोज हम यहाँ पे देते हैं माय यहाँ पे मैंने फाइल का नाम प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पे हम कोई भी कंटेंट जो फाइल में लिखना चाहता है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कंटेंट लिख दिया है लर्न वन डेमो, मैं इसे सेव करूंगी, सेव पे क्लिक करेंगे, टोस्ट माय लर्न वन सेव्ड, मेरा फाइल का जो नाम है वो यहाँ पे हमने टोस्ट में डाला था तो वो जनरेट हो गया। अब ये कंटेंट मुझे रीड करना है, सो आई विल प्रेस दिस रीड बटन, लर्न वन डेमो, हमने जो भी कंटेंट लिखा था वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। हम अगर देखना चाहे तो हमारा जो एम्यूलेटर कंट्रोल होता है वहाँ जाकर हम देख सकते हैं, एंड्रॉयड डिवाइस मॉनिटर में जाकर हमारा फाइल जो है वो क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। सो उसके लिए हम हमारा जो स्टूडियो है स्टूडियो में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास होता है एंड्रॉयड डिवाइस मॉनिटर, इसे हम क्लिक करके चेक कर सकते हैं हमारी जो फाइल का नाम हमने दिया था वो नाम से, यानी डिवाइस में हमारा जो एम्यूलेटर है वो ओपन होना चाहिए तो यहाँ पर एक्टिव है तो इसे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे स्टोरेज एसडी कार्ड हम
यूज़ करेंगे स्टोरेज, एसडी कार्ड में स्टोरेज जो होता है यहाँ पर। सो यहाँ पे जाकर हम चेक कर सकते हैं कि हमारी जो फाइल है वो क्रिएट हुई है या नहीं हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं माई लर्न वन, यानी हमने जो फाइल का नाम दिया था वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है।